अमेज़न और फ्यूचर कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए और रिलायंस खेल कर गई है। जी हाँ, दरअसल रिलायंस रिटेल एक नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार नाम से शुरू करने जा रही है। ये नाम आपको कुछ सुना हुआ नहीं लगता, एक और बिग बाजार और दूसरी ओर स्मार्ट बाजार, नहीं समझे। दरअसल रिलायंस ने ये नाम उन जगहों के लिए तय किया है जहां फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार आउटलेट का संचालन किया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल इकाई करीब 950 प्रॉपर्टी में अपनी खुद के स्टोर्स को खोलने पर काम कर रही है। कंपनी के इन जगहों पर कम से कम करीब 100 स्टोर्स खोलने की योजना है, जिनमें से कुछ स्मार्ट बाजार स्टोर्स शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इन स्टोर्स को इसी महीने खोला जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट पर अभी तक रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें, स्मार्ट बाजार का फोकस रिलायंस रिटेल के मौजूदा स्मार्ट सुपरमार्केट्स के मुकाबले रोजाना के कपड़ों और सामान्य मर्चेंडाइज पर ज्यादा होगा। इन्हें बिग बाजार की तर्ज पर ही तैयार किया जाएगा, जिससे ग्राहक जुड़ा हुआ महसूस कर सके। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज काफी बड़ी हैं, जैसे सेंट्रल मॉल जो 60,000 स्क्वायर फीट से लेकर 1,00,000 स्क्वायर फीट तक में फैली है। यहाँ रिलायंस अपने मौजूदा ब्रांड्स जैसे रिलायंस मॉल को लेकर आएगी। साथ ही फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप की एक फ्रेंचाइजी के तौर पर संचालन करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे ब्रांड का नाम वही रहे और ग्राहक जुड़ा रहे। आपको बता दें, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के किराना स्टोर्स इजी डे और हेरिटेज की जगह लेने के लिए अपने कुछ छोटे रिटेल ब्रांड्स जैसे 7-Eleven और रिलायंस फ्रेश को भी शुरू करेगी, जबकि कुछ वैल्यू अपैरल फॉर्मेट्स FBB को ट्रेंड्स में बदला जाएगा, जो रिलायंस की वैल्यू फैशन चेन है। हालांकि इन सब बातों पर अभी तक रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे रिलायंस अपना काम करती जा रही है और अमेज़न कोर्ट के चक्कर लगा रही है। देखते हैं किसका होता है भारतीय बाजार का ये बड़ा साम्राज्य और किसकी होती है जीत।